वो भाई हेडिंग डालना फ्लोएम। कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा जाइलम, है ना। जाइलम और फ्लोएम उन दोनों को हमने कहा कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वेस्क्यूलर टिश्यू, है ना। कंडक्टिंग टिश्यू का काम होगा ट्रांसलोकेशन करना, ट्रांसलोकेट करना, मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो पहले आप फ्लोएम का फंक्शन लिख लो, काम लिख लो कि भाई ये किस चीज़ को ट्रांसलोकेट करेगा या किस सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो कहा गया फ्लोएम ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेट मतलब ट्रांसफ़र करना, लोकेशन बदलना। ट्रांसलोकेट फूड। और यहीं से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कहा गया फ्लोएम जो फूड को ट्रांसलोकेट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब देखो आपने ये पढ़ा सुक्रोज एक डाइसेक्राइड का नाम है ना। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड का मतलब ये हुआ कि भाई सुक्रोज के अंदर दो यूनिट्स होंगी, एक यूनिट का नाम होगा ग्लूकोज और दूसरे यूनिट का नाम होगा फ्रक्टोज। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे ये मैं मालूम करूं कि प्लांट के अंदर फूड का सिंथेसिस, खाना कहां पर बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा लीफ। और मैंने आपको ये पढ़ाया कि लीफ के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, उन सेल को आप क्या कहोगे, मीजोफिल सेल। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो लीफ होगा उस लीफ के अंदर होंगे मीजोफिल सेल, यही मीजोफिल सेल सिंथेसाइज करेंगे फूड, और फूड को सिंथेसाइज करने का प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने ये पढ़ा कि भाई फूड सिंथेसाइज होता है एक प्रोसेस के ज़रिए जिसका नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के तीन स्टेप थे, अगर याद हो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ ये वाली, कि सुक्रोज की फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो केल्विन साइकिल का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए फूड सिंथेसाइज होता हो, और ये कहाँ पर होगा, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के भी स्ट्रोमा में, वहाँ पर ये साइकिल चलेगी, केल्विन साइकिल। अब ध्यान से सुनना, केल्विन साइकिल के अंदर सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज, मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल के अंदर फूड का, खाने का जो फॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज बनने के बाद एक दूसरे प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सुक्रोज। मतलब ये हुआ कि भाई प्लांट के अंदर जो फूड का सिंथेसिस होगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज की फॉर्म में। जाहिर है जब सुक्रोज की फॉर्म में बदल जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि प्लांट के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेट करेगा फूड को, लेकिन किस फॉर्म में, तो आप कहोगे सुक्रोज की फॉर्म में, और सुक्रोज एक क्या होगा, डाइसेक्राइड। ठीक, तो ये बात हुई कि ट्रांसलोकेट करेगा फूड को इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। कहा गया फ्रॉम, कहाँ से भाई, फ्रॉम सोर्स, मैं समझा रहा हूँ, सोर्स टू द सिंक। सोर्स टू द, दो टर्म यहाँ, दो जो आपको समझने, एक टर्म सोर्स और दूसरा टर्म सिंक। अगर मैं आसान से लफ्ज़ों में समझाऊँ इनका मतलब, तो आप ये समझना, जहाँ से आएगा वो सोर्स, मतलब खाना जहाँ से आएगा वो क्या होगा, सोर्स। तो फिर क्या कह सकते हो, सोर्स लीफ, और जहाँ पर जाएगा उसको क्या कहोगे, सिंक। तो मेनली आप तीन पार्ट कंसीडर करो प्लांट के, लीफ मेनली, स्टेम और रूट। तो जनरल टर्म में आप क्या कहोगे कि भाई फ्लोएम का काम क्या होगा, फूड को ट्रांसलोकेट करना सोर्स टू सिंक। अब सोर्स का मतलब जहाँ बनेगा, इसका मतलब लीफ, तो फिर सिंक क्या होगा, स्टेम और रूट। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीफ टू स्टेम एंड रूट। लेकिन एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात ये, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था। एक बात वो ये कि सोर्स और सिंक, सोर्स और
सिंक, वो बदलते रहते हैं। मैं भी समझा रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट लिख दूँ। सोर्स और सिंक मे बी वेरिएबल, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होंगे। आप हमेशा ये नहीं कहोगे कि खाना लीफ से ही आएगा और स्टेम और रूट के पास जाएगा। पहले तो समझो, सोर्स उसको कहोगे जहाँ से आएगा और सिंक उसको कहोगे जहाँ पर जाएगा। इसलिए हमने ये नहीं लिखा फ्रॉम लीफ टू रूट एंड स्टेम। अब एक जनरल टर्म समझो, वही डायग्राम प्लांट का ये रहा हमारे पास एक स्ट्रक्चर समझने के लिए। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ लीफ, प्लांट का लीफ, ये स्टेम, ये रूट, ये लीफ। अब मैंने ऐसा माना कि भाई लीफ के अंदर फूड किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज, और बनने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर फूड बना तो जाहिर यही भेजेगा, सोर्स यही होगा। तो फिलहाल के लिए हम सोर्स किसको मान ले रहे हैं, लीफ। और हम मान ले रहे हैं कि भाई ये फूड पहुँचेगा यहाँ रूट के किसी सेल के अंदर, यहाँ पहुँचाना है। ऐसा नहीं कि यहीं पहुँचेगा, जितने भी सेल्स होंगे सबके पास पहुँचेगा। लेकिन समझने के लिए मैं कंडीशन ये मान ले रहा हूँ कि लीफ के अंदर सुक्रोज बना और इसको पहुँचना होगा किसके सेल तक, रूट सेल। ठीक, यही तो है ट्रांसलोकेट, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक, और मैंने अभी समझने के लिए ऐसा कर लिया कि फ्लोएम को दिखा दिया कुछ इस तरह से। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, फ्लोएम। अब इस फ्लोएम का काम क्या होगा, इस फ्लोएम का काम ये होगा कि लीफ से सुक्रोज को लेना और लेने के बाद इसको किस सेल तक पहुंचा देना, रूट सेल। तो आया कहाँ से, लीफ। तो इस कंडीशन के अंदर सोर्स हमारा क्या हुआ, लीफ, और गया किसके पास, रूट सेल। तो रूट सेल क्या हुआ, सिंक। ठीक, ये हो गई बात। लेकिन कहा गया कि ये देखा गया प्लांट्स के अंदर अर्ली स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन का मतलब समझना जब प्लांट्स पर फ्लावर आने का टाइम हो, पहले बर्ड्स आते हैं छोटे छोटे, कली जिसको कहा जाता है, समय तो बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं। तो देखो उस टाइम पर क्या देखा गया, अभी मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर इसी प्लांट में समझाने के लिए यहाँ पर कोई छोटा सा बर्ड, यही बर्ड आगे चलकर हो सकता हो कन्वर्ट हो किसके अंदर, किसी फ्लावर के अंदर। ठीक, तो ये देखा गया कि अर्ली स्प्रिंग सीजन के अंदर, अब देखो एक बात और याद रखना, सिंक मैंने उसको कहा जिसको खाने की क्या होगी, ज़रूरत, नीड, पहली बात जिसको फूड की ज़रूरत होगी जहाँ पर जाएगा। और दूसरी बात ये कही गई, सिंक आप उसको भी कहोगे जहाँ पर फूड क्या होता हो, स्टोर्ड, जमा होता हो। मतलब दो बातें हो गई, अब पहली तो ये समझाई जहाँ से आएगा वो सोर्स, जहाँ पर जाएगा वो सिंक, दूसरी बात जहाँ पर बनेगा उसको भी क्या कह सकते हो, सोर्स, और जहाँ पर स्टोर होगा उसको क्या कह सकते हो, सिंक। तो यानी सोर्स और सिंक के अब दो मतलब हो गए, जो भेजता हो, जो बनाता हो, जो लेता हो और जो स्टोर करता हो। ठीक, अब हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई रूट का सेल और उस रूट सेल के पास स्टोर्ड अमाउंट में फूड, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च, जाहिर स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होगा। अर्ली स्प्रिंग सीजन में क्या देखा गया, वो ये देखा गया कि भाई बर्ड्स के पास, वो बर्ड्स जो फ्लावर में कन्वर्ट होती हों, उन बर्ड्स के पास फूड, खाना लीफ से नहीं आता, वो रूट या फिर स्टेम से आता है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा रूट का सेल होगा, ये जो रूट सेल होगा, ये रूट सेल पहले इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज, और ये सुक्रोज फिर इस फ्लोएम के अंदर एंटर करेगा और फ्लोएम में एंटर करने के बाद कहाँ पर आएगा, बट इस कंडीशन को देखो, सिर्फ इस कंडीशन को, आया कहाँ से, तो रूट सेल को मैं क्या कह सकता हूँ, सोर्स। तो रूट सेल को यहाँ पर सोर्स इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके पास फूड क्या था, स्टोर्ड, और गया कहाँ पर, बट, तो इसको क्या कह सकता हूँ, सिंक। तो देखो इस कंडीशन में रूट सेल, सिंक, और इस कंडीशन में सोर्स, इसलिए मैंने कहा ये क्या हो सकते हैं, वेरिएबल, बदल भी सकते हैं। और एक दूसरी बात जो अभी एक दो साल पहले सवाल पूछा गया,
अगर आप इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई सुक्रोज जा रहा है अलोंग द ग्रेविटी, नीचे की तरफ। और अगर इस कंडीशन को देखो तो सुक्रोज कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब ये हुआ फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन, मतलब इसको मैंने माना फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन डाउनवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा, लेकिन जाइलम के थ्रू हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड। इसलिए हम कहेंगे फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। तो फिलहाल आप दो बात याद रखोगे, पहली बात तो ये कि फ्लोएम का काम होगा फूड को ट्रांसलोकेट करना सुक्रोज की फॉर्म में सोर्स टू सिंक। जनरली देखो, जनरल अगर आपसे पूछा जाए, जनरली का मतलब ज़्यादातर, अमूमन सोर्स क्या होगा? आप कहोगे लीफ। और सिंक जनरली क्या होगा? आप कहोगे रूट एंड स्टेम। लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, सोर्स और सिंक कहा गया ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सीजन। और दूसरा कहा गया नीड्स ऑफ प्लांट, के प्लांट की ज़रूरत क्या, नीड ऑफ प्लांट, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये समझाई कि फ्लोएम के थ्रू नीचे की तरफ भी ट्रांसलोकेशन हो सकता है और ऊपर की तरफ भी। इतनी बात लिख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ बिल्कुल, यही होगा जब ऐसा हो जाए प्लांट के साथ। ये तो मैंने एक एग्जांपल माना, अर्ली स्प्रिंग सीजन जब ऐसा हो जाए कि प्लांट के पास लीफ ही नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई खाना बनाने वाला सोर्स तो है नहीं, तो फिर उस कंडीशन में यही होगा, रूट और स्टेम इन दोनों से ही ट्रांसलोकेशन होगा।
लिख लिए। देखो कल हमने ये पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम तीन टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो थोड़ा सा कल वाली बात वही कि भाई फ्लोएम थोड़ा अलग होगा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होंगे, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम होगा वो थोड़ा अलग होगा किससे, एंजियोस्पर्म। अब वही बात देखो, फ्लोएम को हमने बोला था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे। अब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्लोएम होगा उसमें चार टाइप के सेल्स होंगे। पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ सेल्स के। सबसे पहला सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको कहा गया सीव सेल, सीव सेल। दूसरा सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको नाम दिया गया एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स बोला था मतलब एक से ज़्यादा टाइप के सेल होंगे, एक सीव सेल होगा, एल्ब्यूमिनस सेल होगा। इसके अलावा दो सेल आप पढ़ चुके, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा, इसका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। और एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा फ्लोएम फाइबर, हम लिखे थे ना फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। तो ये चार टाइप के सेल्स, इन चारों टाइप के सेल से मिलकर बनेगा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम। इसके बारे में बस इतनी बात याद रखनी है कि भाई जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म होंगे उनके फ्लोएम में कितने टाइप के सेल्स होंगे, ये चार। एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम होगा उसमें भी चार सेल होंगे। पहले सेल का नाम होगा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, वहाँ पर होगा सीव सेल, यहाँ पर होगा सीव ट्यूब। दूसरा, इस ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होंगे कुछ सेल जिनका नाम होगा कंपेनियन सेल। सीव का मतलब समझते हो, छन्नी, और कंपेनियन का मतलब साथी, अभी बता रहे हैं इसका मतलब। और थर्ड सेल होगा यहाँ फ्लोएम, वही वाला फ्लोएम पेरेनकाइमा, इसका काम होगा स्टोरेज ऑफ फूड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होगा फ्लोएम फाइबर। मतलब ये हुआ कि कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन में जो सेल इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब देखो पहले तो इस बात को लिखना, फिर अगला पॉइंट समझते हैं, कंपोजिशन, और इसको याद रखना। और अभी मालूम है नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म, ऐसे पूछा गया जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन से सेल नहीं होते, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होते, ये दोनों तो एंजियोस्पर्म में होंगे ना, क्वेश्चन इस पर पूछा गया जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन से सेल नहीं होंगे, आंसर होगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। और अगर ये पूछ ले एंजियोस्पर्म में कौन से नहीं होंगे तो सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल। सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, दो सेल कॉमन होंगे फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, और दो सेल अलग होंगे सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। अब देखो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड ये पहले बताया गया कि जितनी भी बातें होंगी वो सब एंजियोस्पर्म की होंगी। तो अब यहाँ हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को, इसको थोड़ा सा समझना। जैसे कल मैंने आपको बताया था वेसल, बताया था वेसल, और वेसल को कहा था मल्टी सेलुलर, उसके एक सेल को क्या बोलते थे, वेसल, वेसल मेंबर, वेसल मेंबर। वैसे ही सीव ट्यूब को कहा गया मल्टी सेलुलर,
और नाम से भी पता चल रहा है कैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक। तो सीव ट्यूब को कहा गया मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब एक सीव ट्यूब बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, और सीव ट्यूब के एक सिंगल सेल को, एक सेल को सिंगल सेल को नाम दिया जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट का मतलब समझा करो पार्ट, यानी इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें एक एक सेल को आप एक एक एलिमेंट मानोगे, एक सेल को नाम दिया सीव ट्यूब एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ सीव ट्यूब, पहले देखना उसके बाद उसको बनाना। देखो कहा गया जो सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि इसको आप मानोगे एक सीव ट्यूब एलिमेंट, मतलब ये हुआ एक सिंगल सेल। इस सेल के जो एंड्स होंगे, मतलब जो इसके लास्ट पार्ट होंगे, टर्मिनल पार्ट होंगे, ये देखा गया कि उन टर्मिनल पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे मल्टीपल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होल्स। देखो कल हमने पढ़ा था स्क्लेरिड, पढ़ा था, उसके अंदर नैरो ल्यूमेन होगा और पिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसी तरह फाइबर भी पढ़े थे और वेसल मेंबर के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी बात समझना। यहाँ पर जो एंड होगा, यानी सेल का जो एंड होगा, इस तरह समझ लो, ये मार्कर का ये वाला एंड, सीव ट्यूब एलिमेंट का जो एक एंड होगा उसके अंदर बहुत सारे होल होंगे, छरनी, बारीक बारीक, इसलिए इसको नाम दिया सीव। यानी यहाँ पर जो सीव ट्यूब एलिमेंट का किनारा होगा, एंड होगा, देखो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना ब्लू मार्कर से जो मैंने दिखाया, वो होल्स होंगे, और जहाँ पर यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा सॉलिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड होगा उसके अंदर बहुत सारे परफोरेशंस होंगे। आप ऐसा समझो कि आपके पास एक पेपर, आपने उसको ऊपर से पहले पेपर को आपने फोल्ड किया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसके ऊपर फिर एक पेपर लगाया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, पहले तो पेपर को सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर एक पेपर और लगा दिया हॉरिजॉन्टली, अब उसके ऊपर नीडल से परफोरेशन कर दो, नीडल लेकर उस पर छेद कर दो, उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ होगा। और जो लास्ट पार्ट होगा जहाँ पर परफोरेशन प्रेजेंट होंगे, इस पार्ट को कहा जाएगा, इतने पार्ट को सीव प्लेट का मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट का लास्ट पार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल होल्स, मल्टीपल परफोरेशन, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस किसकी तरह होगा, सीव की तरह। तो ये हुआ एक एलिमेंट, एक सेल। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो इसका लास्ट पार्ट होगा, यहाँ पर ये सीव प्लेट, और यहाँ पर दूसरा सेल, ये दूसरा सेल। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इन दोनों सेल, ध्यान से देखना, इन दोनों सीव ट्यूब एलिमेंट के लिए ये कॉमन एंड होगा, मतलब ये इसका एंड भी होगा और इसका एंड भी होगा। अगर ऊपर से देखोगे तो इसका नीचे वाला होगा और इसका ऊपर वाला होगा। तो इस पार्ट को कहेंगे सीव प्लेट, इसको भी कहेंगे सीव प्लेट, परफोरेशंस होंगे, और इसको भी आप कहोगे सीव प्लेट, मल्टीपल परफोरेशन प्रेजेंट होंगे। मैं तीन सीव ट्यूब एलिमेंट बनाता हूँ, सीव ट्यूब एलिमेंट तीन, एक, ये दो, और ये तीसरा, थर्ड। और यहाँ पर भी मैं बना दे रहा हूँ मल्टीपल परफोरेशन। कितने सीव प्लेट बना दिए मैंने, एक, दो, तीन, चार, ठीक। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, इसका काम होगा ट्रांसलोकेट करना। अब ट्रांसलोकेट करने के लिए जाहिर, अगर इसको मटेरियल आगे पहुंचाना होगा तो उसके लिए इसके पास खाली जगह होनी चाहिए, पाइप की तरह, जैसे पाइप से पानी जाता है ना तो उसके अंदर खाली जगह होती है ना, वैसे ही इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, खाली जगह, मतलब इसके पास ल्यूमेन होगा, सिंपल सी बात है। तो कहा गया सीव प्लेट के पास जो साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि ये एक सेल, सॉरी सीव ट्यूब एलिमेंट ये एक सेल, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल का मतलब वो एक साइड में डिपॉजिट होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी, मतलब सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट वो एक साइड में खिसक जाएगा, एक तरफ आ गया, तो उससे फ़ायदा ये हुआ बची हुई साइड क्या हो गई, खाली हो गई। इस साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का मतलब एक ऐसा साइटोप्लाज्म जो सिर्फ एक साइड में प्रेजेंट हो, पूरे सेल के अंदर नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर भी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म।
तो कितनी बात याद रखोगे कि भाई सीव ट्यूब के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, उन सेल्स के जो एंड होंगे उसको सीव प्लेट कहोगे, और साइटोप्लाज्म कैसा होगा? पेरिफेरल। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास, मैं इसका इतने का इधर नाम लिखता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ और बनाना होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इसलिए आप इसको मालूम है क्या मानोगे? लिविंग मानोगे। जैसे कल हमने पढ़ा था वेसल्स, वो डेड होंगे, वो अंदर से खाली होंगे, मतलब उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केमिकल्स होंगे और उन केमिकल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, एंजाइम्स होंगे। और एक छोटी सी बात कि एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को बनाने के लिए सेल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। सेल के पास होते हैं जीन, और जीन कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए। और डीएनए किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस। देखो सिंपल सी बात, न्यूक्लियस तो नहीं होगा, मतलब डीएनए नहीं होगा, जीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बन सकते। मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट अपने खुद के प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म करना होगा तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। जैसे सबसे कॉमन प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होगा वो क्या होंगे? एंजाइम। तो उसके लिए नेचर ने इसका एक साथी दिया, मतलब इसके साथ एक सेल रखा जिसका नाम क्या है? कंपेनियन सेल। अब देखो सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा एक सेल। अब दो प्लांट सेल एक दूसरे से कनेक्टेड हों, उनके बीच जो कनेक्शन होगा उसको क्या नाम दोगे? प्लाज्मो डेस्मेटा। मतलब ये हुआ, पहले मैं बना दूँ एक सेल, ये रहा सेल, और इस सेल को मैं नाम दे दे रहा हूँ कंपेनियन सेल। ये कहा गया कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस तो नहीं होगा, इसका मतलब वो प्रोटीन्स तो नहीं बना सकता, इसको जितने भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी वो सारे प्रोटीन कंपेनियन सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा उसके जो जीन्स होंगे वो प्रोटीन बना बना कर इसको देंगे। इसलिए क्या कहा गया कि सीव ट्यूब एलिमेंट का जो एक्टिविटी होगा, मतलब इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा, वो किसके कंट्रोल में होगा? कंपेनियन सेल। क्यों कंट्रोल में होगा? कि भाई यहाँ मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत होगी एंजाइम्स की, और ये खुद के एंजाइम्स तो नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं, तो इसके बगल में जो इससे जुड़ा हुआ सेल होगा, इसका साथी जिसको कहा कंपेनियन सेल, इस कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसलिए कहा गया कंपेनियन सेल कंट्रोल्स या रेगुलेट कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। कि सीव ट्यूब एलिमेंट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल। और सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इनके बीच का जो कनेक्शन होगा आप इसको क्या नाम दोगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। इतनी बात समझ गए? ठीक। तो देखो सीव ट्यूब एलिमेंट के पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होने के साथ साथ एक बात और लिखी गई आपकी किताब के अंदर, वो ये कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल। अभी समझना, वैक्यूल मतलब यहाँ पर मटीरियल्स को स्टोर करने के लिए, इसके पास वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा कि ट्रांसलोकेशन के लिए क्या बची रहे? जगह बची रहे। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, सोर्स और सिंक वाला, पहली कंडीशन मैंने मानी थी सोर्स किसको माना था? लीफ। और सिंक किसको माना था? रूट सेल। ये रहा कंपेनियन सेल और ये रहा सीव ट्यूब एलिमेंट। कहा गया ये कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा लीफ के मीजोफिल सेल से। लीफ के किस सेल से जुड़ा होगा? और मीजोफिल सेल से जुड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन होगा? प्लाज्मो डेस्मेटा। अब बहुत सिंपल सी बात कि भाई मीजोफिल सेल के पास प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। पूरी बात तो नहीं लिखते, बस आसान सा लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर सिंथेसिस होगा किसका? सुक्रोज। ये सुक्रोज मीजोफिल सेल से किसके पास आएगा? कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट। और सीव ट्यूब एलिमेंट, एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट तक जाने के लिए यहाँ पर क्या होंगे? परफोरेशंस।
ये देखो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, और मान लो यहाँ पर एसोसिएटेड होगा जो हमने माना था सिंक, किसको माना था, रूट सेल, और यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होगा और यहाँ आ जाएगा सुक्रोज। तो क्या सोर्स टू सिंक ट्रांसलोकेशन हुआ? हाँ, लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसके साथ एसोसिएटेड होगा कंपेनियन सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव ट्यूब किसके साथ एसोसिएटेड होगा, तो आपका आंसर होगा कंपेनियन सेल। और यही साथ साथ दूसरी साइड देखा गया कि सीव ट्यूब एलिमेंट के दूसरी साइड प्रेजेंट होंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा मतलब इनके पास स्टोर्ड फूड होगा। और दूसरा स्टोर्ड फूड के साथ साथ अभी एक इंपॉर्टेंट बात और, ये रहा फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होना आप, सीव ट्यूब एलिमेंट इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये वाला सीव ट्यूब एलिमेंट, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का एक काम तो था स्टोरेज, और दूसरा काम अगर आपके याद हो लेटरल कंडक्शन। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ वरना स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और चाहो तो आप दिखा भी सकते हो। देखो कैसे दिखा सकते हो, मान लो यहाँ पर कोई स्टेम सेल, यहाँ पर कोई स्टेम सेल, और जितने भी लगभग प्लांट सेल होते हैं उनमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन तो प्रेजेंट होता ही होता है। अब होगा क्या, होगा ये कि कुछ सुक्रोज सीव ट्यूब एलिमेंट से आएगा फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास। अगर उसके पास ना भी आए, इसके पास ना भी आए, तो इसके पास तो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये फूड, तो कहा गया उसी फूड में से या तो उससे लेकर या जो स्टोर होगा वही फूड ये पहुंचा देगा किसके पास, स्टेम सेल के पास। ये हुआ लेटरल कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन का मतलब साइड में पहुंचाना, ये हुआ डाउनवर्ड कंडक्शन। तो बहरहाल कहने की बात ये कि फ्लोएम के पास जो सेल्स होंगे, ये रहा कंप्लीट सीव ट्यूब, इसके साथ कंपेनियन सेल, और फ्लोएम पेरेन्काइमा सपोर्ट देने के लिए साइड में प्रेजेंट होंगे फ्लोएम फाइबर। तो इस स्ट्रक्चर को बना लो, समझ लो और याद रखना। मीजोफिल सेल मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए, मीजोफिल सेल मतलब लीफ का सेल, मीजोफिल सेल। हर एक के साथ तो एसोसिएटेड नहीं होगा, उसके साथ एसोसिएटेड होगा जो सोर्स से जुड़ा होगा, सोर्स मेनली, क्योंकि सोर्स से ये जुड़ा हुआ है ये वाला, तो फिर उसी के साथ एसोसिएटेड होगा जिसका सोर्स से कनेक्शन होगा। सीसी कंपेनियन सेल मैं नीचे भी लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म ताकि आपको याद रहे, कंपेनियन सेल। बस इतना फ़र्क याद रखना, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होगा। अब उसका जितना भी एक्टिविटी होगा वो सब कंपेनियन सेल के कंट्रोल में ही होगा। सीव प्लेट में प्रेजेंट होंगे परफोरेशंस, होल्स, परफोरेशंस। इसको हटा दें, इस कंडीशन में आप लिख सकते हो मीजोफिल सेल सोर्स रूट सेल सिंक, ये तो पहले भी लिख दिया, बस ऐसे ही लिख दो चाहो तो।
ये पीपी फ्लोयम पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा। हटा दे इसको। इसके पास और ऑर्गेनिल्स होंगे लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो होगा, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड का मतलब राइबोसोम, वो नहीं होगा इसके पास। न्यूक्लियस नहीं होगा इसके पास। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होंगे लेकिन नंबर कम होगा, कम नंबर होगा बहुत, इसलिए कहा जाता है ज़्यादातर जो इसकी एक्टिविटी होंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें यही सेल हेल्प करेगा इसकी। और फ्लोयम हुआ ख़त्म, बस एक छोटा सा समझो, जैसे कल जाइलम में मैंने बताया दो टाइप होंगे, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम, है ना। प्रोटो मीन्स फर्स्ट यानी जो पहले बनता हो, और मेटा मीन्स बाद में जो बनता हो, लेटर बाद में जो बनता हो। वैसे ही प्लांट के अंदर ये देखा गया। देखो एक थोड़ी सी बात और समझना और इसको अपने जहन में रखना, वो ये कि आपको दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए गए, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टेम बताया गया कि इससे बनेगा प्राइमरी प्लांट बॉडी, है ना, और सेकेंडरी मेरिस्टम से बनेगा सेकेंडरी प्लांट बॉडी। उसके अंदर वुड होगा, लकड़ी बहुत ज़्यादा होगा उसके अंदर। प्राइमरी मेरिस्टम से जो जाइलम बनेंगे उनको कहा जाएगा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी मेरिस्टम से जो फ्लोयम बनेंगे उनको कहा जाएगा प्राइमरी फ्लोयम। ठीक, सेकेंडरी मेरिस्टम से जो जाइलम बनेगा आप उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी जाइलम। और जो फ्लोयम बनेगा उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी फ्लोयम। लेकिन जरा थोड़ी सी बात सोचो, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा सिर्फ दो टाइप के प्लांट्स के अंदर, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म। डाइकोट प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट, इन दोनों के अंदर होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका मतलब ये हुआ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम भी सिर्फ किसके अंदर होगा, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी की बात अगर जनरली हम करें तो वो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के अंदर ही होगी, क्योंकि वहीं पर प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात होगी। भाई प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब हुआ डिफरेंस क्रिएट करना। अब मोनोकोट ऐसे प्लांट कि उसके पास सेकेंडरी है ही नहीं, तो आप क्या नाम दोगे प्राइमरी, क्या नाम दोगे सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो कि पहले प्राइमरी बाद में सेकेंडरी। अब जिसके पास बाद वाला है ही नहीं आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे प्राइमरी। तो जनरली कहा गया जो स्टार्टिंग वाले, फिलहाल जो हम जाइलम फ्लोयम पढ़ रहे हैं, या तो आप उनको सिंपल सा नाम दे दो जाइलम फ्लोयम, या फिर आप उनको कहो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोयम। और जो कल हमने पढ़े थे ना प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, वो इसी के दोनों टाइप थे प्राइमरी जाइलम के ही। मतलब क्या हुआ, कल जो पढ़ा था प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, मतलब ये हुआ कि प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर या फिर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो जाइलम पहले बनेगा उसको कहोगे प्रोटोजाइलम, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो जाइलम बाद में बनेगा उसको कहोगे मेटाजाइलम, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम से बनेगा आप उसको प्रोटो मेटा नहीं, उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ सेम वैसे ही कहा गया कि प्राइमरी मेरिस्टम से जो फ्लोयम बनेंगे उनको भी कहा गया प्रोटो प्रोटो फ्लोयम, प्रोटो फ्लोयम। और प्राइमरी मेरिस्टम से जो फ्लोयम बाद में बनेगा उसको क्या कहोगे, मेटाफ्लोयम, मेटाफ्लोयम।
और एक बात और जो कल मैंने आपको बताई वो ये कि प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम इन दोनों का अरेंजमेंट आपने अलग अलग पढ़ा, एक पढ़ा एक्सार्च और एक पढ़ा एंडार्च। एक्सार्च किसके अंदर होगा? रूट, रूट के अंदर होगा। और एंडार्च किसके अंदर होगा? स्टेम। एक्सार्च का मतलब ये हुआ कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। और एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब क्या हुआ कि ये रहा मेरे पास कोई एक स्टेम और एक रूट, ठीक। कहा गया इस स्टेम, या तो स्टेम मान लो या रूट मान लो, दोनों में प्रेजेंट होगा फ्लोयम। अब प्रोटोफ्लोयम का मतलब तो हुआ पहले बनने वाला, और मेटाफ्लोयम का मतलब हुआ बाद में बनने वाला। ये वाली जो बात थी ये पोजिशन के अकॉर्डिंग या लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसका लोकेशन क्या होगा, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ। यहाँ कहा गया लोकेशन पर कोई बात नहीं समझाई जाती, तो इसका मतलब ये हुआ फिर ये होता होगा प्रोटोफ्लोयम इसी के बगल में प्रेजेंट होगा मेटाफ्लोयम, या फिर अगर सेंटर की तरफ मानो तो प्रोटोफ्लोयम उसी के आसपास नीचे प्रेजेंट होगा मेटाफ्लोयम। मतलब ये हुआ प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम, बहुत ध्यान से सुनना डिफरेंस, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की तरह अरेंज नहीं होगा, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बाहर और अंदर की तरफ अरेंज होंगे, लेकिन प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम अगल बगल अरेंज होंगे। जब अगल बगल अरेंज होंगे तो फिर आप एक्सार्च और एंडार्च की बात नहीं करोगे। एक्सार्च और एंडार्च, एक्स का मतलब समझना बाहर और एंड का मतलब समझना अंदर। जब बाहर और अंदर हो, मतलब एक बाहर दूसरा अंदर, पहले बनने वाला बाहर बाद में बनने वाला अंदर, एक्सार्च, पहले बनने वाला अंदर बाद में बनने वाला बाहर, एंडार्च। अब यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर वो अगल बगल ही होंगे तो फिर एंडार्च एक्सार्च की कोई बात नहीं होगी। बस आप इतना याद रखना प्रोटोफ्लोयम यानी जो पहले फ्लोयम बनेगा उसके अंदर प्रेजेंट होंगे स्मॉलर सीव ट्यूब, स्मॉलर मतलब उसके अंदर जो सीव ट्यूब होगा उसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट कम होंगे। भाई अगर हमने कहा सीव ट्यूब एलिमेंट की लंबाई ज़्यादा तो इसका मतलब सेल ज़्यादा होंगे, उसकी लंबाई कम, सेल कम होंगे। तो स्टार्टिंग में जो फ्लोयम बनेगा उसके अंदर जो सीव ट्यूब होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, कम होंगे। और जो बाद में बनेगा मेटाफ्लोयम उसके अंदर कहा गया बिगर सीव ट्यूब। बस दो डिफरेंस याद रखना, दो डिफरेंस क्या याद रखोगे कि प्रोटोफ्लोयम पहले बनने वाला, और जाहिर है भाई धीरे धीरे ही प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी तो स्टार्टिंग में जो बनेंगे उसके अंदर सीव ट्यूब छोटी लेंथ वाला होगा, और जो बाद में बनेंगे जो नीचे से बनना स्टार्ट होंगे और जो ऊपर तक जाएंगे उसके अंदर सीव ट्यूब लंबा होगा। सिंपल सी बात, ठीक। तो दो टाइप लिखना प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम, और अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखना पहले वाले में छोटे सीव ट्यूब, बाद वाले में बड़े सीव ट्यूब। चाहो तो लिख लो लेकिन जल्दी से लिखो, मेन तो ये, मेन तो ये, वो तो कल बता दिया था मैंने, इसको लिखना मेन तो ये कि प्राइमरी फ्लोयम के दो टाइप होंगे, प्राइमरी फ्लोयम के दो टाइप होंगे प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम। प्रोटोफ्लोयम पहले बनने वाला, प्रोटो का मतलब पहले, मेटा का मतलब बाद। और फ्लोयम से रिलेटेड बस एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी गया, इसलिए मैं उसको इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये एनसीईआरटी ने ये लिखा, फ्लोयम पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन, फ्लोयम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन, यानी फ्लोयम पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होगा किसके फ्लोयम में, मोनो मोनोकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकोट कह सकते हो, यानी जो मोनोकोट प्लांट होंगे। और मोनोकोट का बेस्ट एग्जांपल याद रखा करो ग्रासेस, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं,
लेकिन एक याद रखा करो, कुछ याद रहे ना रहे, ग्रासेस, यानी ग्रासेस के अंदर जो फ्लोयम होगा उसमें फ्लोयम पेरेन्काइमा नहीं होगा, ये एनाटॉमी का पार्ट, यानी कट कर कर जब देखा गया तो ये पाया कि ग्रासेस के फ्लोयम के अंदर फ्लोयम पेरेन्काइमा नहीं होगा। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, वो ये कि भाई आपको मालूम है, देखो फ्लोयम के पास चार पार्ट होंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर और पेरेन्काइमा, तो चार ऑप्शन तो बन गए ए बी सी डी, और क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा मोनोकोट के फ्लोयम में, तो आप आंसर देना फ्लोयम पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा मोनोकोट के फ्लोयम में प्रेजेंट नहीं होगा, फ्लोयम हुआ ख़त्म, जाइलम फ्लोयम, यानी कहने का मतलब ये कि सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया, इसको याद रखना। हटा दें इसको, अब हेडिंग डालना प्लांट टिश्यू सिस्टम, प्लांट टिश्यू सिस्टम, प्लांट के अंदर कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम होंगे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गेन सिस्टम्स, क्या उसके इतने पार्ट होंगे, जो आपने अलग अलग सिस्टम पढ़े ऐसे ही प्लांट के अंदर होते हैं टिश्यू सिस्टम। पहले थोड़ा क्लासिफिकेशन लिख लो, साथ साथ लिखते रहना, फिर मैं समझा रहा हूँ। प्लांट के अंदर तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं जनरली, तीन, एक टाइप का टिश्यू सिस्टम प्लांट में कहलाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो मैंने पहले भी लिखाया था स्टार्टिंग में, पहली वाली क्लास में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड टिश्यू प्लांट सिस्टम, प्लांट्स के अंदर जो होता है टिश्यू सिस्टम, उसको कहा जाता है ग्राउंड या फिर फंडामेंटल, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और थर्ड टिश्यू सिस्टम, जिसको भी हमने पढ़कर ख़त्म किया, वेस्क्यूलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होंगे प्लांट्स के पास। लिख लिए हो तो बात समझो, देखो बात वो ये, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आप किसको कहोगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा गया उस टिश्यू सिस्टम को जो प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता हो, मतलब एक हमको प्लांट नज़र आ रहा है जो अभी बनाया था, वैसा ही समझ लो मॉडल के तौर पर, एक प्लांट जो हमको दिख रहा है, उस प्लांट के रूट स्टेम लीफ, उन रूट स्टेम लीफ का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग होगा, उस कवरिंग में जो टिश्यू सिस्टम होगा उसको कहेंगे एपिडर्मल। एपी का मतलब जनरली होता है ऊपर, है ना, और डर्मल का मतलब लेयर, और लेयर कवरिंग की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, तो वो टिश्यू सिस्टम जो प्लांट के सबसे ऊपर कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको आप कहोगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इसका मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग, फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमको दिख जाता हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा अगर लिखोगे प्राइमरी प्लांट बॉडी, इसको थोड़ा आगे बता देंगे प्राइमरी टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब सेकेंडरी पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा। अब भाई इसके अंदर थोड़ी सी बात, मैं डायग्राम वो दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ और बात समझना, बाद में लिखना। देखो
आप कहोगे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन कवरिंग होंगी। पहला कवरिंग तो होगा स्टेम एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस। अगर मैं आपसे मालूम करूं कि स्टेम एपिडर्मिस किस टाइप के टिश्यू से बना होगा तो क्या आंसर दोगे आप? पेरेन्काइमा, क्योंकि हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। तो इसका मतलब स्टेम के ऊपर जो कवरिंग होगा, स्टेम का जो बाहर वाला लेयर होगा जो हमको आंखों से नज़र आएगा, उसको हम कहेंगे स्टेम एपिडर्मिस, ठीक। और इस स्टेम एपिडर्मिस पर आपने ये पढ़ा कि इसके जो सेल्स होंगे उन सेल्स के ऊपर किसका लेयर होगा? क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या होगा? वाटर लॉस को प्रीवेंट करना, क्योंकि इसका नेचर कैसा होगा? फैटी नेचर है ना, इसका फैटी नेचर होगा तो पानी को बाहर निकलने नहीं देगा। और दूसरी बात आपने ये पढ़ी जो मैंने बता दी कि स्टेम एपिडर्मिस जो होगा उसके ऊपर आपको नज़र आएंगे स्टेम हेयर्स, स्टेम स्टेम हेयर्स। बता सकते हो दूसरा नाम? ट्राइकॉम्स। दूसरा नाम ट्राइकॉम्स। और स्टेम हेयर को जब हमने कंपेयर किया था किसके साथ? रूट हेयर्स। और कंपैरिजन में ये पढ़ा कि स्टेम हेयर्स होंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। थोड़ा सा बना दे रहे हैं ताकि बात अच्छे से समझ आ जाए, वो थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। मान लो ये हमारा स्टेम और एक साइड ही मैं बना रहा हूँ बस एक ही तरफ, ये इसका आउटर मोस्ट कवरिंग, ये रहा एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस। इस स्टेम एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगा क्यूटिकल, क्यूटिकल का लेयर। और इसी स्टेम एपिडर्मिस से निकले होंगे कुछ मल्टी सेलुलर इलोंगेशन जिनका नाम क्या होगा? स्टेम हेयर्स। ये रही बात, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा रूट एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस का नाम क्या होगा? रूट एपिडर्मिस का नाम एपी ब्लेमा, एपी ब्लेमा। क्या इसके ऊपर क्यूटिकल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका काम होगा किसको एब्जॉर्ब करना? पानी को एब्जॉर्ब करना। तो देखो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि रूट एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं होगा, क्यूटिकल नहीं होगा। और मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रूट एपिडर्मिस को क्या नाम दोगे? एपी ब्लेमा। एपी ब्लेमा का मतलब रूट का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। और इस एपी ब्लेमा पर आपको क्या नज़र आएंगे? रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स को कहा गया था यूनी सेलुलर इलोंगेशन, यूनी सेलुलर मतलब एक सेल के इलोंगेशन से बनेगा रूट हेयर, बहुत सारे सेल के इलोंगेशन से बनेगा स्टेम हेयर, ठीक। तो स्टेम एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखना वो ये, इन दोनों को, इन दोनों का मतलब स्टेम हेयर और रूट हेयर, इन दोनों को कहा गया एपिडर्मल, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब, अपेंडेजेस का मतलब साइड में निकले हुए स्ट्रक्चर। जैसे हमारे अपेंडेजेस क्या होते हैं? हाथ पैर, मेन बॉडी होता है हमारा, उसमें अपेंडेजेस होते हैं लिम्ब्स। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब एपिडर्मिस से साइड में जो निकले हुए स्ट्रक्चर होंगे। इसलिए कहा गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पहला पार्ट होगा लेयर, मतलब एपिडर्मिस, और दूसरा पार्ट होगा एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब जो एपिडर्मिस पर आपको बाहर की तरफ निकले हुए स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। अब उसमें स्टेम पर होंगे ट्राइकोम्स और रूट पर होंगे रूट हेयर्स, जो हमने पहले भी पढ़े। और जो फ़िलहाल हमको पढ़ना है थोड़ा सा वो ये कि लीफ का जो कवरिंग होगा उसको क्या कहोगे? लीफ एपिडर्मिस। और लीफ एपिडर्मिस के अंदर मैंने आपको ये कहा कि लीफ का जो अपर ऊपर वाला एपिडर्मिस होगा, मतलब मान लो यहाँ पर हमारा लीफ, इस लीफ के पास जो ऊपर यहाँ जो एपिडर्मिस होगा उसको क्या कहोगे? एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला एपिडर्मिस, एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। और जो नीचे वाला या नीचे वाली सरफेस पर होगा उसको क्या कहोगे? एबेक्सियल एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस। कोई दिक्कत? ठीक। यहाँ पर तो हुए एपिडर्मल अपेंडेजेस,
ये कहा गया कि लीफ एपिडर्मिस, नई बात मेरे हिसाब से तो पुरानी बात है, सब है ना पहले पढ़ चुके, अब नई बात वो ये कि लीफ एपिडर्मिस में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनका नाम होगा एस्टोमेटा। एस्टोमेटा इसीलिए एनसीईआरटी में ये लिखा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी, उसके तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब हो गया कवरिंग, वो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया स्टेम रूट लीफ। दूसरा पार्ट उसने लिखा एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, और तीसरा पार्ट उसने लिखा एस्टोमेटा। यानी एनसीईआरटी ने ये लिखा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होंगी और एस्टोमेटा प्रेजेंट होगा लीफ के एपिडर्मिस में। अब ध्यान से सुनना, एस्टोमेटा कहा गया एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बना हो, एक एस्टोमेटा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो बना हुआ होगा, मैं भी सेल बना दूंगा दो सेल से, और उन सेल का नाम होगा गार्ड सेल। मतलब फिलहाल जब तक स्ट्रक्चर ना बने तब तक आप कितनी बार याद रखो कि एक एस्टोमेटा दो सेल से मिलकर बनेगा और उन सेल का नाम क्या होगा, गार्ड सेल। और ये देखा गया कि गार्ड सेल का जो शेप होगा वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में अलग अलग होगा। तो इसका मतलब एस्टोमेटा का शेप भी अलग होगा, भाई गार्ड सेल से मिलकर एस्टोमेटा बनेगा, जब गार्ड सेल का शेप अलग होगा तो फिर एस्टोमेटा का शेप भी अलग होगा। तो गार्ड सेल का शेप मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर अलग होगा। ये देखा गया कि मोनोकोट्स के अंदर गार्ड सेल होते हैं डंबल शेप, या फिर इसी को कह दिया जाता है डंब बेल शेप, अभी मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर। और डाइकोट के अंदर देखा गया कि गार्ड सेल होते हैं किडनी शेप या फिर बीन शेप, किडनी शेप या फिर बीन शेप्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, डंबल शेप गार्ड सेल प्रेजेंट इन मोनोकोट्स और किडनी शेप या बीन शेप प्रेजेंट इन डाइकोट्स। समझ गए इतनी बात। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पहले जल्दी से इतनी बात लिख लो, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, पहले इसको लिख लो। और ये तो पहले हम बना चुके थे, इसको मत बनाना आप, मैंने ऐसे ही बनाया बस। ये ऊपर वाला एपिडर्मिस एडेक्सियल और इसको कहा जाएगा एबेक्सियल। अभी हम गार्ड सेल और एस्टोमेटा को दिखाएंगे स्ट्रक्चर से। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स होंगे, ये बात भी याद रखना, आप पूरा लिख लेना, मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, एस्टोमेटा। एपिडर्मल अपेंडेजेस टू टाइप, स्टेम हेयर रूट हेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, आप पूरा लिख लेना, स्टेम हेयर रूट हेयर। याद है ना डी और बी, उसको याद रखें।
ट्राइकॉम्स, अगर पहले बना हुआ है तो मत बनाना और चाहो तो बना लेना। रूट हेयर, हटा दे क्या पूरा? चलो देखो, पहले डाइकोट वाला गार्ड सेल बनाएंगे। डाइकोट किडनी या बीन शेप, थोड़ी सी बात समझना, चलो बाद में लिख लेना जो रह गया। डाइकोट प्लांट के अंदर क्या होगा, अगर हम लीफ देखें और उसके सिर्फ स्टोमेटा को समझना चाहें तो उसके अंदर स्टोमेटा कुछ इस तरह से होगा। पहले देख लेना उसके बाद बना लेना। ये मैं बना रहा हूँ गार्ड सेल अभी, ये कुछ कंडीशनल गार्ड सेल है। कंडीशनल मतलब यहाँ कुछ कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को समझो, कंडीशन बाद में समझ लेना। ये एक गार्ड सेल और ये दूसरा गार्ड सेल, इतने को कहा गया एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। बीन शेप या किडनी शेप, किडनी भी आप ऐसे ही बनाते हो जनरली। अब देखो ये दो गार्ड सेल, इन दोनों गार्ड सेल से मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टोमेटा। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी कि गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्या बना रहा हूँ सब में, क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादा बेहतर होगा मैं क्या लिख दूँ, सीसी। सीसी का मतलब यहाँ पर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हुआ तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। अब देखो जनरली होता क्या होता है, ये कि अगर हम एपिडर्मिस मान लिए, लीफ एपिडर्मिस की तो बात कर रहे हैं कि लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा होगा, यही बात तो हम कर रहे हैं। तो ये लीफ का एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है हमेशा, पहले भी मैंने बताई थी बात, याद रखना एपिडर्मिस हमेशा कैसा होता है, सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर होने के साथ साथ एपिडर्मिस होता है कंटिन्यूस लेयर। कंटिन्यूस लेयर का मतलब उसके सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा, इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, है ना। तो अब ये जो गार्ड सेल वाली बात होगी स्टोमेटा, कि ये हमारा एपिडर्मिस, एडेक्सियल मान लो या एबेक्सियल, तो इस एडेक्सियल एपिडर्मिस में होगा क्या कि एपिडर्मल सेल, और बीच में कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ एपिडर्मल सेल तो नहीं होंगे, लेकिन उन एपिडर्मल सेल के बीच में प्रेजेंट होंगे ये गार्ड सेल। गार्ड सेल यानी गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, एपिडर्मल सेल के बीच में। और एक दूसरी बात, वो एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो, मान लो ये एपिडर्मल सेल, कौन सा सेल है ये, एपिडर्मल, वो एपिडर्मल सेल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो किसके, गार्ड सेल, उसका थोड़ा अलग नाम, उसको कहा गया सब्सिडियरी। क्या कहा गया, सब्सिडियरी सेल। मतलब ये सेल थोड़ा स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब इसके पास कुछ स्पेशल फीचर होंगे, प्रॉपर्टी होंगी। वो स्पेशल प्रॉपर्टी फीचर ये होंगी कि ये सेल स्टोर करेगा आयंस और वाटर, आयंस को और पानी को किसके लिए, गार्ड सेल के लिए। अब इन सेल को हम कहेंगे सब्सिडियरी सेल। बहुत ध्यान से सुनना, सब्सिडियरी सेल एपिडर्मिस के सेल होंगे, लेकिन वो एपिडर्मिस के सेल जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो किसके, गार्ड सेल। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बना दूँ दूसरा सेल ये, तो आप इस सेल को भी क्या कहोगे, सब्सिडियरी सेल, और ये वाला सेल भी होगा सब्सिडियरी सेल्स। तो मैं चारों तरफ बना दे रहा हूँ सब्सिडियरी सेल्स, मतलब वो सेल जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो गार्ड सेल के, सब्सिडियरी सेल्स, याद कर लेना इसको, सब्सिडियरी सेल, और यहाँ पर भी सब्सिडियरी सेल, ठीक। और इसके बाद प्रेजेंट होंगे नॉर्मल एपिडर्मल सेल। मतलब नॉर्मल एपिडर्मल सेल का मतलब यहाँ पर एपिडर्मिस का सेल होगा, वो स्पेशलाइज नहीं होगा, वो गार्ड सेल की कोई हेल्प नहीं करेगा, गार्ड सेल से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको हम नॉर्मल नाम देंगे एपिडर्मल सेल।
यहाँ पर प्रेजेंट होगा नॉर्मल एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस का सेल, एपिडर्मल सेल, ईसी मतलब एपिडर्मल सेल, और एससी का मतलब सब्सिडियरी सेल, और सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब हुआ हमारा एपिडर्मल सेल, यानी हमने बना दिया मालूम है कौन सा लीफ, डाइकोट लीफ। और इसके अंदर अगर थोड़ी सी लेबलिंग आप करोगे तो आप ये नाम दोगे, जो बात अब तुम्हें याद रखनी है, इस सेल का नाम गार्ड सेल, और इसका शेप कैसा होगा, किडनी या बीन शेप। अब इसकी दो लेयर, इसको आप कहोगे इसका आउटर वॉल, मतलब बाहर वाली, ऐसे देखना है, इसकी तरफ जाना है, इस पोर की तरफ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ, तो इसको कहेंगे आउटर सेल वॉल और इसको कहेंगे इनर सेल वॉल। क्या दिख रहा है आपको आंखों से, सब कुछ ही दिख रहा होगा, आउटर वॉल थिन और इनर वॉल थिक। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि गार्ड सेल का जो आउटर वॉल होगा वो कैसा होगा, थिन होगा, और गार्ड सेल का इनर वॉल वो कैसा होगा, थिक होगा, बल्कि एनसीईआरटी में लिखा गया थिक नहीं, वेरी थिक, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थिक होगा। मतलब आप फिलहाल स्ट्रक्चर को याद रखना है, देखो इसका काम वो अलग तरीके से समझा जाता है, फिलहाल स्ट्रक्चर में याद ये रखोगे कि गार्ड सेल का जो आउटर वॉल होगा, बाहर वाला सेल वॉल होगा वो थिन होगा और अंदर वाला बहुत थिक होगा, और इन दोनों सेल वॉल के बीच में ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, इस होल को कहा जाता है स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, या फिर पोर के लिए ये एक टर्म यूज़ करते हैं एपर्चर, एपर्चर। तो आप इसको स्टोमेटल पोर कहो या स्टोमेटल एपर्चर कहो, मतलब स्टोमेटा हमारा कितना होगा, ये ब्लैक पार्ट, ब्लैक पार्ट स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा के दो सेल गार्ड सेल, अब फिलहाल पूरी बात एक बार समझते हैं कि भाई जो एपिडर्मल सेल होंगे उन्हीं एपिडर्मल सेल्स के कॉन्टेक्ट में कुछ मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होंगे जिनका नाम होगा सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे किसके, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल की बाहर वाली वॉल कैसी होगी, थिन, अंदर वाली वॉल कैसी होगी, थिक, और गार्ड सेल के बीच में जो पोर क्रिएट होगा इसको नाम दोगे स्टोमेटल पोर। ये बना डाइकोट लीफ का स्टोमेटा, इसको लिख लो जल्दी से। इनर वॉल की थिकनेस किसकी वजह से होगी, जाहिर है अगर थिक ज्यादा होगा तो उसका मतलब सेलुलोज ज्यादा डिपॉजिट होगा, सेलुलोज की, सेलुलोज यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि सेल वॉल तो मेनली सेलुलोज से ही बना होता है, तो सेलुलोज की वजह से ज्यादा थिक होगा अंदर वाला वॉल। ये डाइकोट लीफ, और डाइकोट लीफ वैसे तो जब हम डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर लिखना, डाइकोट लीफ के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा ये देखा गया ऊपर वाली एपिडर्मिस पर कम होगा और नीचे वाली एपिडर्मिस पर ज़्यादा होगा। ये याद रखने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका एक रीज़न भी है, वो रीज़न तब बताएंगे जब लीफ को पढ़ाएंगे कि ऊपर कम क्यों होगा और नीचे ज़्यादा क्यों होगा। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा डाइकोट लीफ के अंदर एबेक्सियल एपिडर्मिस पर ज़्यादा होगा, एबेक्सियल एपिडर्मिस नीचे वाला एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस पर ज़्यादा होगा और एडेक्सियल एपिडर्मिस पर कम होगा, एडेक्सियल एपिडर्मिस पर कम होगा। मैं सब्सिडियरी सेल से रिलेटेड एक सवाल लिख दूं, ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आपकी कॉपी में लिखा होगा तो फिर रिवीजन के टाइम पर तुम्हें आसानी हो जाएगी। लिखा कुछ इस तरह से गया,
सब्सिडियरी सेल के बारे में। सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी सेल के बारे में लिखा गया। स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड सेल मतलब इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी जो बाकी एपिडर्मल सेल के पास नहीं होंगी। स्पेशलाइज्ड सेल इन द विसिनिटी, एक टर्म यूज़ किया गया, हो सकता हो जो नया पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का उसमें सुनने को मिले आपको। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब उसका एरिया, गार्ड सेल का, उसका जो जितने एरिया को वो कवर कर कर रखेगा, इलाका जिसको कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल मतलब जितने एरिया में गार्ड सेल प्रेजेंट होगा उसके विसिनिटी, उसके चारों तरफ जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे उन्हीं को कहा गया सब्सिडियरी सेल। और सब्सिडियरी सेल कोई अलग सेल नहीं होंगे, एपिडर्मल सेल ही होंगे। मतलब ये हुआ वो पैरेन्काइमेटस सेल ही होंगे, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा कुछ इस अकॉर्डिंग के वो पानी को और आयंस को स्टोर कर लें और ज़रूरत पड़ने पर गार्ड सेल को दे दें। तो जो पहला टिश्यू सिस्टम था, अभी मोनोकोट रह गया, मोनोकोट का स्टोमेटा, उसमें ये बातें सब याद रखना, तीन पार्ट और सब एपिडर्मिस, किस एपिडर्मिस में क्या होगा। बाकी जो मोनोकोट का स्टोमेटा उसको कल बताएंगे, है ना।